मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आर्किक रिसोल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को हम टमाटर की वैरायटियाँ तो बहुत सारी बताई थी और सभी वैरायटियों का मैं अपने फील्ड का रिव्यू दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज हम आप लोगों को नाथ टमाटर का फील्ड दिखाने वाला हूँ कि हमारे खेत में किस तरीके से टमाटर लगे हुए हैं। तुड़ाई चल रही, काफ़ी दूसरी तीन चार तुड़ाई हो चुकी है और ज़्यादा ही हो गई है, तब भी आज फिर तुड़ाई हो रही थी तो उसका वीडियो शूट किया गया। तो उसका हम अपना फील्ड दिखाएंगे। नॉर्मल फील्ड पे हमारे यहाँ टमाटर लगता है, कोई पाली हाउस कोई टेक्निक वगैरह नहीं लगती, नॉर्मल फील्ड पे लगता है, नॉर्मल सिंचाई लगता है। कैसे लगता है आप लोगों को हम दिखाए थे। और ये टमाटर हमारा लगा था जनवरी में, लगभग 25 जनवरी के आसपास टमाटर लगा था और तुड़ाई भी इसकी लगभग 20 अप्रैल से चल रही है। 20 अप्रैल के बाद से तुड़ाई इसकी चल रही है। तो पहली तुड़ाई 25 को हुई थी, हाँ 25-26 अप्रैल को पहली तुड़ाई हुई थी। हाँ, तो चलिए आपको हम पूरा फील्ड दिखाते हैं। और ये नाथ कंपनी का 1894 है, काफ़ी अच्छा टमाटर होता है। इसका सीड रेट जो है इस बार, हर बार 1000 को 10 ग्राम होता था, बट इस बार जो है मिला है 1100 रुपये को 10 ग्राम। तो चलिए हम आपको पूरा फील्ड दिखाते हैं। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को फील्ड दिखाते हैं अपना। आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे फील्ड में जो टमाटर किस तरीके से लगाया गया था, ये जब 25 जनवरी को लगाया गया था तो इसी तरीके से जो है टमाटर हमारे फील्ड में लगा था। लगाने के 1-1.5 महीने के बाद का आप लोग फील्ड देख सकते हैं, लगभग ये 45 दिन का, लगभग 45-50 दिन का ये पौधा है। लगाने के बाद अच्छी खासी इसमें जो है खाद पानी पड़ा और अच्छा खासा ग्रोथ कर गया। आप लोग देख सकते हैं ये नाथ 1894 का पौधा है हमारे खेत का, बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और इसमें टाइम टाइम पे सिंचाई पानी दवा हो रही। बीच में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था लेकिन टाइम टाइम पे सिंचाई पानी होता गया तो इसलिए अच्छा खासा पौधा बना हुआ है। और इसको अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे खेत में किस तरीके से इसमें फल लगे। आप अगर अपने खेत को अच्छे से केयर करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। टाइम से दवाया पानी आप करते हैं, जिस तरीके से आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अगर उसी प्रकार आप अपनी खेती की सेवा करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त है, फल तो काफ़ी लग रहा है। इस समय हमारे यहाँ रेट भी चल रहा है अच्छा खासा। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है आप कमेंट में बताइएगा कि क्या रेट आपके यहाँ चल रहा है टमाटर का रेट। हमारे यहाँ तो इस समय जो है 20-22 रुपये के जी चल रहा है। थोड़ा पहले और अच्छी खासी बाजार थी और पहले थोड़ा डाउन भी थी लेकिन इसमें 20-22 रुपये 6 केजी चल रहा है। अब चलिए हम आपको फील्ड दिखाते हैं प्रेजेंट टाइम का। अब देख सकते हैं कि हमारे खेत में किस तरीके से टमाटर लगा हुआ है, मतलब पूरा खेत एकदम मस्त टमाटर पका हुआ है हमारे ही खेत में और तुड़ाई चल रही है। और आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल फील्ड पे लगा है, अभी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा घास वास हो गई है। अब निराई गुड़ाई इसकी उतनी नहीं होगी क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है और खेत में भी टमाटर निकलना शुरू हो गया है। और आज तो इसमें 50 कैरेट टूटा हुआ है सिर्फ 2 पाती में। हमारे यहाँ पाती होती है छोटी छोटी, लगभग अगर 50 कैरेट की बात करें 6-50 कैरेट तक टमाटर निकला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वरायटी है, नाथ की 1894 वरायटी है, 1100 रुपये का 10 ग्राम वरायटी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग भी बीज को ला करके मार्केट से लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग नेक्स्ट ईयर फिर इसको आप जनवरी फरवरी में नर्सरी आराम से